थर्ड श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस, उत्तरकांड। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोहमो पही, जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि मिले बर परमालही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। भूजत कृपा निधि कुशल बरतहि, बचन बेगि ना आवई। सुनु सिवा सो सुख बचन, मन ते बिन जान सो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जानी जन दर्शनु दियो। बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर गही दियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था, वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हरषि शत्रुहन, बेटे हृदय लगाई। लछि मनु भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परस्पर प्रेम से आपस में मिले। भरतानुज लछि मन पुनि भेटे, दुसै बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलोकि हरषे पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्या वासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी ने असंख्य रूपों में अपने आप को प्रकट किया और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छन महु सबहि मिले भगवाना, उमा मर्मु ये काहु न जाना। ए विधि सबहि सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए हैं। हे भूमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखि बच जनु देनु लवाई। कौसल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नए ब्याही हुई गायें अपने बछड़े को देखकर दौड़ी हो।
जनु धेनु बालक बचत जी के चरण बन पर बस गई दिन अंतपुर रुख श्रवत धन ओंकार करि धावत भई अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी पचन मृदु बहु विधि कहे गई विषम विपति वियोग भव तिन हर्ष सुख अनगिन अगणित लहे। मानो नई ब्याही हुई गाय अपने छोटे बछड़े को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़े से मिलने के लिए हुंकार करके तन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई। सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। बेटे तना सुमित्रा राम चरण रति जानी राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचानी लक्ष्मण सब मातन मिली हर्षे आशीष पाई कह कई कहु पुनि पुनि मिले मन कर शोभ न जाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी से बार बार मिले परंतु उनके मन का शोक नहीं जाता। सासुन सबन मिली बे देही चरन ही लागी हर्ष अति तेही देही असीस बूझी कुछ लाता होई चचल तुम्हार अही बाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं मंगल जानी नयन जल रो कहीं कनक थार आरती उतारहीं बार बार प्रभु गात निहारहीं। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू आंसू उमड़ते आते हैं। मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु की श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछा वही करही परमानंद हर्ष उर भरही कौसल्या पुनि पुनि रघुबरही चितवती कृपा चिंदुरन धी रही। अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारति बारहि बारा कवन भांति लंका पति मारा अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निश्चर सुबट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलोकति मात परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गात मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला जामवंत अंगद शुभ सीला हनुमान दादी सब वानर बीरा धरे मनोहर मनुज सरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल, नील, जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत सनेहु सील व्रत नेमा सादर सब बर नहीं अति प्रेमा देखी नगर बासिन कई रीति सकल सराय प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव,
व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं, और नगर वासियों की रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। मुनि रघुपति सब सखा बोलाए, मुनि पद लागन कुशल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो, ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा के रण में राक्षस मारे गए हैं। ए सब सखा सुनऊ मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे, मम हित लागी जनम इन्हारे, भरतहुँ ते मोही अधिक प्यारे। फिर गुरुजी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए, मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राण तक को होम दिया, ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनी प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए, इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौसल्या के चरन ही पुनि तिन नायउ मात, आशीष दीन हरषि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कन, चढ़ी अटारनी दे कहीं, नगर नारी बर बृंद, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए, कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो, आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले, आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया, नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। जय सियाराम। जय सिया राम।